लाख रुपया या सब कुछ बता। ठटरी के बड़ो ले आवे, हम तो फ्री में बता देता। 30 लाख के चैलेंज में फंस गए बागेश्वर बाबा। आर्या पार के इस चैलेंज में जब बागेश्वर बाबा को सामने लाया गया तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आसाराम बापू से लेकर निर्मल बाबा तक हमारे देश ने एक से बढ़कर एक साधु बाबाओं को देखा है, लेकिन इस वक्त हर जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है और वो है बागेश्वर बाबा का, यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। एक ऐसा 26 साल का नौजवान जो देखने में किसी फिल्मी हीरो की तरह लगता है, लेकिन उनके कारनामे और बोलने का अंदाज बड़े बड़ों को चक्का में डाल देता है। पर फिलहाल तो दोस्तों बागेश्वर बाबा खुद चक्कर खा रहे हैं और पुलिस इनके पीछे पड़ी है। तो क्या है पूरा मामला और क्यों बागेश्वर बाबा चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों ये बात तो जगजाहिर है कि बागेश्वर बाबा जो लोगों के मन की बात जानकर उनकी समस्याओं का हल कर देते हैं और उसे पर्चे में लिख देते हैं, इसके चलते वो काफी ज्यादा ट्रेंड पर चल रहे हैं। इनकी वीडियोस हर रोज वायरल होती है और लोग इन्हें सुनना देखना पसंद करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, मीठा ज्यादा हो तो चींटियां लगने ही लगती हैं, और ऐसा ही कुछ हाल बागेश्वर बाबा के साथ भी है। तभी तो अलग अलग क्षेत्रों से लोग इन्हें बदनाम करने के लिए सामने आ रहे हैं कि क्या ये बाबा लोग वास्तविक हैं? कुछ इन्हें खुला चैलेंज कर रहे हैं तो कुछ इनकी विद्या पर शक कर रहे हैं। फर्जी हैं, धोखेबाज हैं। अभी एक टीवी शो के दौरान माइंड रीड करने वाली सुहानी ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर हमारी तरह दिमाग पढ़ते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस कला को भगवान की कृपा कहकर लोगों के बीच अंधविश्वास फैलाना ये बहुत गलत है। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। महाराष्ट्र में अपने कार्यक्रम के दौरान जब धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर पहुंचे तो वहां की कमेटी ने इनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया और खुलेआम ये चैलेंज किया कि आप जो जादू और चमत्कार लोगों के सामने अपने धाम में दिखाते हैं वही चमत्कार आप हमारे सामने दिखाइए, अगर आप सही हुए तो आपको हम 30 लाख रुपए देंगे। अच्छा, लेकिन कमेटी वालों का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री इस चैलेंज से इतना ज्यादा डर गए हैं कि वो वापस लौट गए। इसके बाद महाराष्ट्र की उस कमेटी के श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की। धीरेन्द्र कृष्ण महाराज कंप्लेंट दी थी एसीपी नागपुर के और कहा कि पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो वो लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के कानून में अंधविश्वास फैलाना बहुत ही बड़ा जुर्म माना जाता है जिसके तहत धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। धीरे धीरे महाराष्ट्र के नागपुर से निकली ये बात पूरे भारत में फैल गई, जिसके बारे में कई सारे लोग धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल जवाब करने लगे, जिसके जवाब में बागेश्वर धाम सरकार ने कहा है कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे, ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे। लेकिन लोग विश्वास क्यों करेंगे? भारत में साधु महात्माओं की इज्जत का ऐसा फालूदा हुआ है कि चाह कर भी धीरेन्द्र शास्त्री पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कोई। बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी लगातार उनके चमत्कारों पर सवाल उठा रही थी और इन्हीं सारी चीजों से तंग आकर एक दिन बागेश्वर धाम सरकार ने सभी को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि मैं नहीं बताऊंगा कि किसकी अर्जी लगी है, स्वयं छट जाइए, देखो नहीं तो विरोध होगा, नहीं तो ये कहेंगे तुझी किससे सेटिंग है। आप लोग खुद अपने लोगों को खड़ा करिएगा और मैं उनकी परेशानियां और उनके मन की बात पहले से ही कागज पर लिख दूंगा। आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। और जब ये चीज हुई तो हर कोई देखता रह गया। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? अपना नाम बताया था क्या? क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने वाकई में सारी सच्चाई पहले से ही लिख रखी थी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, किसी को यहाँ बताया था नहीं मैंने कही। ये सब कुछ देखने के बाद लोगों की बोलती बंद हो गई, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर उठने वाले सवालों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। इनकी कही हर एक बात को लोग विवाद बनाकर खड़ा कर देते हैं और ये बात सच भी है। आज बागेश्वर धाम सरकार इतना बड़ा नाम बन चुका है कि जो कोई भी इनका नाम लेता है वो खुद ही फेमस हो जाता है। बड़े बड़े न्यूज चैनल घंटों केवल इन्हीं के बारे में बात करते हैं और लोग बड़े मजे से सुनना देखना पसंद करते हैं। अभी कुछ समय पहले जब बागेश्वर धाम सरकार ने बुलडोजर चलवाने की बात कही थी तब भी काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज खड़ी हुई थी, जिसके बारे में एक इंटरव्यू में जब धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा गया तो उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि धर्म और ईश्वर उनके माता पिता के समान है और अगर कोई उनके माता पिता पर पत्थर मारेगा तो वो भी शांत नहीं रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री की इन बातों से साफ जाहिर होता है कि वो लोगों के सामने किसी फिल्टर के साथ नहीं आते हैं, बल्कि जो अंदर से है वो बाहर से भी दिखाते हैं। तभी तो ये आए दिन विवादों में घिरे रहते हैं और कुछ लोग तो ये सोच कर ही हैरान है कि आखिर एक 26 साल का नौजवान शख्स इतना ज्यादा लोकप्रिय कैसे हो गया, कैसे करोड़ों लोग आज उसके भक्त हैं और उसके धाम पर लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है। तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है ईश्वर की कृपा। जी हाँ, वो कहते हैं ना, ऊपर वाला अगर किसी पर मेहरबान हो जाए तो मिट्टी भी सोने में बदल जाती है।
और धीरेन्द्र शास्त्री तो खुद को बालाजी महाराज यानी कि हनुमान जी का सबसे बड़ा भक्त कहते हैं। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में जन्म लेने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी भी पूजा पाठ का काम करते थे और बागेश्वर धाम लगाते थे, लेकिन इनके दादाजी उतनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाए जितनी आज धीरेन्द्र शास्त्री ने कर रखी है। इनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनकी मदद से आज ये सामने मौजूद व्यक्ति के बिना बताए ही उनकी परेशानियों को समझ जाते हैं और उसे पर्चे में लिख देते हैं। बागेश्वर बाबा ये तक समझ जाते हैं कि सामने वाला सच कह रहा है या फिर नहीं। उनके द्वारा पर्चे में लिखा गया एक एक शब्द शत प्रतिशत सत्य होता है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज तक इन्हें कोई भी झूठा साबित नहीं कर पाया है। मीडिया से लेकर पुलिस वालों तक लोगों ने इनके खिलाफ खूब बातें की, लेकिन उन बातों को साबित करने की हिम्मत आज तक किसी में नहीं हुई। असल में होता यह है कि जिस किसी भी शख्स की अर्जी को बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या तो उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार दो दिन सपने में बंदर नजर आते हैं। और ये कोई कही सुनी बात नहीं है दोस्तों, बल्कि जितने भी लोग अर्जी लगाने आते हैं उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है। लेकिन अब मीडिया वाले कहां लोग कि भाई बात मानेंगे, उन्हें तो हर चीज का सबूत चाहिए होता है। इसलिए कई सारे मीडिया हाउस वाले बागेश्वर बाबा के दरबार में भक्त बनकर भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं ताकि देख सकें कि धाम के अंदर असल में होता क्या है। लेकिन चमत्कार देखिए, जब जब मीडिया वाले दरबार में आए तब तब बाबा उन्हें पहचान लेते हैं और उनके पोल सभी के सामने खोल कर रख देते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद मीडिया वाले भी बाबा के सामने घुटने टेक देते हैं और चुपचाप वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। ये चीज एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों बार बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में हो चुकी है। बागेश्वर धाम एकमात्र ऐसा धाम है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी के भी होश उड़ा कर रख दिए हैं और लोग अभी भी सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा जाए तो वो साफ कहते हैं कि ये सब कुछ उनके दादाजी और हनुमान जी की कृपा की बदौलत है। ईश्वर उन्हें शक्तियां देते हैं जिससे वो लोगों के मन की बात को समझ जाते हैं और उन्हें दूर कर पाते हैं। और ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ, बल्कि दोस्तों इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने सालों तक हनुमान जी की तपस्या करी। 12 साल के उम्र से ही धीरेन्द्र शास्त्री बालाजी के ध्यान में लग गए और उनकी सेवा करने लगे, जबकि पूजा पाठ के कामों में वो बचपन से ही लगे रहते थे। आज ये उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां इन्हें हर लोगों के मन की बात को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। ये जो कुछ भी कह देते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाता है जिसका सच होना तय है, और इसका कई बार उदाहरण भी देखा जा चुका है। हालांकि अगर हम बागेश्वर धाम की बात करें तो दोस्तों इसका इतिहास बहुत पुराना है। लोगों की मान्यताओं के अनुसार बागेश्वर धाम मंदिर चंदेल कालीन युग का है। सन 1986 में ग्राम वासियों के द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया था। उसी दौरान ग्राम गड़ा में बाबा सेतु लालगढ़ चित्रकूट से दीक्षा लेकर अपने गांव के प्राचीन कालीन मंदिर पहुंचे। पहले तो इन्होंने राम कथा करी और फिर ये झाड़ फूक का भी काम करने लगे। लोगों के अंदर मौजूद बुरी शक्तियों को अपनी एक फटकार से ये भगा दिया करते। लोगों का कहना है कि जो कोई भी भूत प्रेत की शिकायत लेकर उनके दरबार में जाता था वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता था, और इसी वजह से बागेश्वर धाम लोकप्रिय होता चला गया। और आज बागेश्वर धाम के प्रमुख कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग, जो बहुत लंबे समय से झाड़ फूक कथाएं कर रहे हैं, अब सोशल मीडिया के दौर में इनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है, तभी तो लोग इन्हें बागेश्वर महाराज के साथ साथ चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में धीरेन्द्र कृष्ण सरकार मध्य प्रदेश में ही अपना दरबार लगाते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। बागेश्वर धाम महाराज ने बचपन से ही रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का अध्ययन किया था। अपने दादाजी के साथ पूजा पाठ करने के अलावा इन्होंने वृंदावन में भी काफी लंबा समय गुजारा है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई को भी पूरा किया है। इनका कथा बोलने का अंदाज काफी ज्यादा निराला है, जिसे सुनकर लोगों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। लेकिन हर मंगलवार को लगने वाला दिव्य दरबार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। बाकी आपका इनके बारे में क्या विचार है कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस तरह की वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें।